सिद्धार्थ शुक्ला विशाल आदित्य सिंह को लेकर कई बार बात करते हुए नजर आते हैं और अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ विशाल और उनके भाई कुणाल को लेकर बात करते हुए नजर आए। सिद्धार्थ का कहना है कि विशाल और कुणाल दोनों बड़े ही सेंसिबल लगते थे मुझे। मैंने विशाल को कह नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा था स्टार्टिंग में जब वो आया था कि मैं आसिम से इतना कनेक्ट नहीं कर पाया जितना विशाल से कर पाया। मतलब जो बोलता था पूरा सही करता था, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी बातों का ही पता नहीं चलता था। मतलब बोलता कुछ है और करता कुछ है, ठिकाना ही नहीं होता है। और ऐसा ही उसका भाई कुणाल, जब शुरू में आना मेरे को बड़ा सेंसिबल लगा, बड़ा सही लगा कि उसने बोला कि आप ऐसे बाप वगैरह की गालियां देते हो अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट डे मायरा के साथ लड़ रहा है, उसी के बाप को बोल रहा है। मतलब जुबान पे कुछ होता है और इनके करने पे कुछ और होता है। इनकी करने पे और जुबान की कोई मेल ही नहीं होता है। और फिर मधु को लेकर कहूं तो विशाल ने मधु का प्रॉपर ठीक तरीके से यूज ही किया है कि उसको नेगेटिव दिखाना, खुद को पॉजिटिव दिखाना, पूरा सिंपैथी लेना, इसका सब कुछ प्लान था जब से मधुरिमा आई थी। और यहाँ पर रश्मि उनसे आगे करती हुई नजर आती कि ऐसा कुछ नहीं है यार, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ये सब उनका अटैचमेंट था और ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि विशाल जैसा आदमी जो एक बात पे इतना भड़क जाता था, वो मधुरिमा से फ्राइंग पैन भी खा लेगा, गालियां भी खा लेगा, ये सब करेगा और कुछ बोलेगा नहीं, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है। और इस तरीके से यहाँ पर सिद्धार्थ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि कुछ पर्सनल ग्रजेस नहीं है या फिर मैं किसी एक का सपोर्ट कर रहा हूं, बस मैंने जो देखा वही बता रहा हूं। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।